सब्सक्राइब कीजिए एकेडमी 24x7 यूट्यूब चैनल को और ज़्यादा करियर अपडेट पाने के लिए प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आज आप लोगों के यहाँ पर लेकर आया हूँ 21st अगस्त की जो आपका रेलवे एंड एलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो रहा है उसका एग्ज़ाम एनालिसिस। यानी कि यहाँ पर आपका फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे। यानी कि ये सभी शिफ्ट का मिक्स वीडियो है, यानी कि ओवर यहाँ पर हम देखेंगे एग्ज़ाम एनालिसिस की यहाँ पर बात करेंगे कि कैसा आपका आज का एग्ज़ाम रहा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ओवरव्यू की। तो क्या है यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट शिफ्ट ऑफ आरआरबी एएलपी 21st अगस्त वाज एग्ज़ाम वाज इजी टू मॉडरेट इन डिफिकल्टी लेवल। कैंडिडेट्स फाउंड सम क्वेश्चंस वेरी न्यू एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर एक्सपेक्टेड। जैसा कि सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वैसे ही आए हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट का था और मैंने बाकी सभी का ओवरव्यू यही रखा है, मतलब कि लगभग यही सभी शिफ्ट में देखने को मिला हुआ है। तो लगभग यही क्या है मॉडरेट, लगभग मैं कहूँगा कि मॉडरेट लेवल का पेपर रहा। तो क्या 21st अगस्त का मॉडरेट लेवल का पेपर रहा। और क्या है टॉपिक आपके वही रहे सारे जो एज आई एक्सपेक्टेड थे, जो आपके अभी तक पूछे जा रहे हैं वही टॉपिक्स आपके रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम सब्जेक्ट वाइज कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो देखिए मैथमेटिक्स से क्वेश्चन वाइज हम एक एक करके देख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। 72 का आप ये 72 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर, से यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है। स्क्वायर रूट ऑफ 7921, स्क्वायर रूट ऑफ 6085, ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके आराम से आप रजिस्टर में नोट डाउन करें और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप अच्छी तैयारी करके एग्ज़ाम देने जाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। व्हाट शुड बी एडेड टू 5024 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको यहाँ पर इसको भी स्क्वायर बताना है। आपका टाइम एंड वर्क से आपके 2 क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टम से आपका 1 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। अ डज अ वर्क इन 10 डेज एंड बी डज अ वर्क इन 15 डेज। बी हैज स्टार्टेड द वर्क एंड ए जॉइंस इफ टू कंप्लीट द वर्क आफ्टर 5 डेज। इफ दे गेट ₹60 फॉर द वर्क देन डिवाइड इट अमंग ए एंड बी। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो इसको आसानी से आराम से इसको वीडियो पॉज करें और नोट डाउन करके इसको सॉल्व करके देखें और प्रैक्टिस करते रहें। टाइम एंड स्पीड से एक क्वेश्चन है, ट्रेन से भी आपका एक एक क्वेश्चन आया है, परसेंटेज प्रॉब्लम से आपका एक एक क्वेश्चन आया, प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपका एक एक क्वेश्चन आया है, सिंपल इंटरेस्ट से भी आपका एक एक क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। प्राइस ऑफ ए कमोडिटीज ₹14,000 इंक्लूडिंग 12% वैट, देन फाइंड द एक्चुअल प्राइस विदाउट वैट। यहाँ पर आपको प्राइस निकालना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। इन अ पॉलीगॉन एन इज इक्वल टू 11, देन फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, यानी कि विकर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ एक्स माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ द इक्वेशन एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम के 2 क्वेश्चन आए हैं। सीआई से सीआई पी इज इक्वल टू 2000 रेट 20% टाइम 18 मंथ, देन फाइंड द हाफ ईयर सीआई। आपको यहाँ पर सीआई निकालना है। और अगर इन क्वेश्चंस में आपको या किसी भी टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन या कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ पर आपको ये निकालना है, यानी ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 2+1, देन फाइंड देन थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये कुछ थे इंपॉर्टेंट या जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथ से, तो इनको बिल्कुल से भी मिस ना करें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और अच्छे से तैयार होकर एग्ज़ाम देने जाएं। यहाँ पर बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। तो यहाँ पर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आपका एक एक क्वेश्चन आया है। स्टेट एंड कंक्लूजन एंड एजम्पशन से आपके 4 क्वेश्चन आए, जो कि बहुत ही पूछा जा रहा है सभी शिफ्ट और सभी डेज में आपका ये पूछा गया है। मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन है, क्लॉक से 1 क्वेश्चन है, कैलेंडर से आपका 1 क्वेश्चन है, एम्बेडेड फिगर से भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर सीरीज की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन सभी शिफ्ट में इसके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाटर में से 2 क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ द 10th लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इज काउंटेड फ्रॉम द राइट, यानी कि अगर दाएं साइड से गिनेंगे तो अल्फ़ाबेट का 10वां से लेटर कौन होगा आपको बताना है और इसका आंसर निकालना है। तो क्या है कि हमने यहाँ पर क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस सम्मिलित किए हैं यहाँ पर या इसको लिए हैं। तो क्या है ये क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा करके आए हैं, जो कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे गए हैं। एस से 2 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड एट 3.47 PM।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड वन आउट, एक क्वेश्चन आया है आपका यहाँ पर। तो ये थे कुछ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं हम जनरल साइंस की। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स इन ह्यूमंस। तो कौन होता है, टेस्टोस्टेरॉन होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। यूनिट ऑफ पावर पूछी गई यहाँ पर, तो क्या है, वाट होती है यूनिट ऑफ पावर। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ आंट्स कार्ड, यानी कि चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायर मेकोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। व्हाट इज़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस, यानी कि इलेक्ट्रॉन वैकेंसी से भी है, वैलेंसी से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि आप इसको नोट डाउन करें और अच्छे से इसका प्रैक्टिस करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर हमें कमेंट करके बताएं। मोस्ट मेलिएबल एलिमेंट कौन सा, यानी कि बहुत ज़्यादा गलने वाला है, मोस्ट मेलिएबल एलिमेंट आपको बताना है यहाँ पर। तो कौन है, गोल्ड है, और से वैसे है तो काफ़ी सारे एलिमेंटल हैं, तो यहाँ पर क्या है आपको गोल्ड है यहाँ पर इसका आंसर। रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O, यानी कि आपको पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताना है, तो कितना है, 1:8 होता है इसका रेशियो पानी में। व्हाट इज़ ग्वाइटर रिलेटेड टू, तो ग्वाइटर आपका क्या है, गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें क्या है, वैसे बेसिकली एक रोग है थायराइड ग्रंथि, क्या है इसमें से फूल जाती है गले में, और किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, F=21, M=3 kg, देन फाइंड एक्सेलरेशन, यहाँ पर आपको निकालना है। क्वेश्चन को आप नोट डाउन करें और आसानी से इसको आराम से इसको सॉल्व करें और प्रैक्टिस करते रहें। फुल फॉर्म ऑफ DTT, यहाँ पर आपको DTT का फुल फॉर्म बताना है, तो क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिन ट्राइक्लोरो एथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वेयर डज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय टेक प्लेस, यहाँ पर क्या लेते हैं, मतलब कहाँ एम्ब्रॉय डेवलप होता है, तो कहाँ, यूट्रस में आपका डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, विच एलिमेंट सप्लाईज ऑक्सीजन टू द बॉडी, कौन करता है, आप सभी जानते होंगे रुधिर करता है। रुधिर के बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइसेक्सुअल प्लांट, ये आपका ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। पहले क्या, अगर ऑप्शंस यहाँ पर राइट पता होते हैं, यहाँ पर मैं आपको राइट बता सकता था कि कौन सा प्लांट के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर इसके प्लांट्स के बारे में थोड़ा पढ़कर जाना है। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम जनरल अवेयरेंस एंड करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि तीनों शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आए और आपके टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपका हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ह्यूंडाई, तो ह्यूंडाई का ब्रांड एम्बेसडर कौन है इंडिया में, तो कौन है, शाहरुख खान है, SRK हैं। CEO ऑफ TCS पूछा गया है आपका, तो कौन है, राजेश गोपीनाथन आपके TCS के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द एशियन गेम्स 2018 हेल्ड, तो कहाँ पर, जकार्ता में पालेम बैंग में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वेयर डिड द पैरालंपिक्स समर गेम्स 2016 हेल्ड, कहाँ पर हुए थे, तो रियो में हुए थे, जहाँ पर आपके ओलंपिक्स भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, तो हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर आपको बताना है। यहाँ पर इसका क्वेश्चन आंसर मुझे मिला नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे बता सकते हैं, या मुझे ये क्वेश्चन पता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, कौन है, सी विद्यासागर राव गवर्नर है महाराष्ट्र के। अगर पंजाब की बात करें तो हु इज़ द गवर्नर ऑफ पंजाब, यानी कि VP सिंह बदनोरे। देखिए यहाँ पर क्या, गवर्नर और स्टेट CM से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप ज़रूर से पढ़ के जाएं, उनको मिस मत करें। मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसको आप ज़रूर से जाकर देख लें और अच्छे तरीके से तैयार करके एग्ज़ाम देने जाएं। ऑन विच डेट वाज डीमोनेटाइजेशन डन इन इंडिया, तो कब लागू हुआ था ये, 9 तारीख से लागू हो गया था, 9 नवंबर को लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रामविलास पासवान इज़ एन MP फॉर विच मिनिस्ट्री, यानी कि रामविलास पासवान के पास कौन सा मंत्रालय है, तो किनके पास, कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव का इनके पास मंत्रालय है। ऑथर ऑफ द बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस, यानी कि एन एरा ऑफ डार्कनेस का आपको ऑथर बताना है, यानी किसके द्वारा लिखी गई, तो कैसे, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई, जो कांग्रेस के मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज थुम्बा फेमस, यानी कि थुम्बा किस लिए फेमस है, तो थुम्बस क्या है, इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है आपका थुम्बा, ये कहाँ है, थुम्बा आपका केरला में है, क्या है, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, हु इज़ द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो आप कौन है यहाँ पर, आप सभी जानते होंगे M. थम्बी दुरा
पढ़ाई है, तो बिल्कुल से याद करके जाएं, पढ़ के जाएं अच्छे तरीके से। करंट अफेयर तो आप बिल्कुल भी मिस मत करें, लास्ट 3 मंथ की करंट अफेयर तो आप बिल्कुल पढ़ कर जाएं, क्योंकि उसी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यहाँ पर इससे पूछा गया है। तो आप तीनों लोगों का नाम याद करके जाएँ, एक अध्यक्ष होता है और दो उसके साथ सदस्य भी होते हैं। तो यहाँ पर हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पूछा गया है, तो क्या है, ओम प्रकाश रावत यानी ओपी रावत हैं आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ पर बिगेस्ट फाइलम पूछा गया है, तो बिगेस्ट फाइलम कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, आप सभी जानते हैं। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1st, 2nd, 3rd शिफ्ट के जो पूछे गए हैं, और इन्हीं टॉपिक से आपको ज़्यादातर तैयार करना चाहिए और अच्छे से एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपना एग्ज़ाम देने जाना चाहिए, सिलेक्शन अपना लेना चाहिए। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। ऐसे ही अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें।